नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। बेला कटनी नेशनल हाईवे पर हुए एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक को अपना एक हाथ गंवाना पड़ा है। उसे गंभीर हालत में सिविल अस्पताल मैहर में भर्ती कराया गया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बेला कटनी नेशनल हाईवे पर सोमवार की रात अज्ञात तेज रफ्तार वाहन की टक्कर ने बाइक सवार अजय शुक्ला पिता राजेंद्र शुक्ला निवासी तेंदुहटा थाना नादन देहात को जीवन भर विकलांगता का दंश भुगतने को मजबूर कर दिया है। अजय का दाहिना हाथ उसके शरीर से कटकर अलग हो गया है। बताया जाता है कि अजय सोमवार की रात लगभग 9 बजे बाइक पर सवार होकर हाईवे पर जा रहा था। भदनपुर के पास अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। वह घायल हो गया और घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। उसका दाहिना हाथ शरीर से अलग हो गया है। क्षेत्रीय लोगों ने हादसे की सूचना बदेरा थाना पुलिस को दी। पुलिस ने उसे मैहर सिविल अस्पताल भेजा। हादसे के बाद आरोपी चालक वाहन समेत फरार हो गया है। पुलिस प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश की कोशिश कर रही है।